स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्लांट लगा ऑफिशियल पे। तो आज का ये वीडियो में एक हम लोग एक DIY देखने वाले हैं, पर उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि प्रूनिंग के बाद रोज का क्या हाल है। ये देखिए कुछ कुछ रोज पे फ्लावरिंग आने लगी है, ये देखिए, और बहुत से विंटर्स वाले प्लांट हमने लगाए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये सिंडर का रोज है, ये देखिए इसमें भी एक बेसल शूट आ रहा है, ये एक मिनिएचर वैरायटी वाला रोज़ है, ये भी मिनिएचर है। और इधर भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए सिंडर वाला प्लांट है, ये सिंडर का प्लांट है, इसमें भी देखिए कितने सारे बेसल शूट आ रहे हैं और एकदम बहुत ही अच्छा से रोज चल रहा है। अभी देखिए प्रूनिंग के बाद क्या अपडेट है, ये वाला प्लांट भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हुआ है। देखिए पूरी तरह से क्या बेहतरीन आया है ये, और ठंड में एडेनियम खिल रहा है, देखिए एडेनियम में सीड्स भी बन रहे हैं, एडेनियम में फ्लावरिंग भी आ रहे हैं। और ये कुछ विंटर वाले, ये मैंने ऑरेंज कलर के फूल गोभी लगाए हैं, कॉलीफ्लावर ऑरेंज कलर के, नर्सरी वाले ने तो बोला ऑरेंज कलर का है, पर देखिए क्या कलर निकलता है। और बहुत से प्लांट लगाने बाकी हैं, और ये देखिए स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट है, जरबेरा का भी, ये देखिए जरबेरा खिल भी रहा है। और ये सारे जरबेरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी को मैंने सेपरेट किया था ये वाले जरबेरा से, ये देखिए ये वाले जरबेरा से मैंने सेपरेट किया था, ये एक सेपरेट करना बाकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि विंटर का क्या क्या प्लांट लगाया है मैंने। ये देखिए ये मेरा संतरा है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज आ गया है इसका, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज आ गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं विंटर में मैंने क्या क्या लगाया है। ये देखिए विंटर का प्लांट देख सकते हैं आप, कितना सारा मैंने लगाया है, ये अराउंड पूरी पूरी 50 to 60 प्लांट्स है। तो आइए अब आपको हम लोग आज का जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं कि पेटूनिया को सबसे सस्ता, सबसे चीप, इजी वे हैंगिंग बास्केट बनाने का। अगर आप हैंगिंग बास्केट खरीदने जाएं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये इस तरह के पॉट खरीदें और उसमें पेटूनिया लगाएं, ये देखिए पेटूनिया लग गया है, और इसको हम लोग हैंगिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पॉट अराउंड 20 to 25 रुपीज़ का मिल जाता है, ये 6 to 7 इंच का पॉट है। तो आइए इसको हम लोग हैंगिंग में कन्वर्ट करते हैं, इजी वे टू मेक इट हैंगिंग। तो आइए हम लोग इसको इजी वे में हैंगिंग बनाते हैं। तो हैंगिंग बनाएंगे, सबसे पहले अपना पॉट ले लीजिए, पॉट लेने के बाद एक कोई सा भी थ्रेड लीजिए, एक थ्रेड लीजिए और इसको इसके सराउंडिंग पर रख करके मेजर कर लीजिए, ये कितना इसका डायमीटर कितना है ये मेजर कर लिए। और उसके बाद ये देखिए आप इस तरह का मोटा GI वायर ले सकते हैं, ये मोटा इस तरह का गैल्वेनाइज्ड वायर मिल जाएगा आपको हार्डवेयर स्टोर में, ये काफ़ी सस्ता मिलता है, और इसको लीजिए आप। अगर 100 ग्राम से लेकर के आएंगे तो आपका 10 पॉट्स में इजिली हो जाएगा। इसको लीजिए और थ्रेड की मदद से इसको मेज़र कर लीजिए कि ये कितना आपको कट करना है, कितना उसका डायमीटर है, ये देखिए इसको मेज़र कर लीजिए। और मेज़र करने के बाद या प्लायर की हेल्प से, ये देखिए इस तरह से इजिली कट कर लीजिएगा, आपको अधिक ताकत लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इजिली कट हो जाएगा। ये कट हो गया, सिंपली इसको हटा दीजिए। उसके बाद ये देखिए ये इसका एक एंड है, ये एक एंड है, तो ये एक एंड पे जस्ट सिंपली एक हुक सा बनाइए। देखिए कैसे हुक बनाइएगा, पास से देख लेते हैं हम लोग इसको कि इसको कैसे हुक बनाना है। ये जस्ट इसको लीजिए, ऐसे यूं बेंड कर दीजिए और इसको हल्का सा दबा दीजिए, इसमें उतना भी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप घबराइए मत। और ये एक दूसरा एंड लीजिए, और ये देखिए इसको हम लोग इधर की तरफ बनाए हैं, इसको भी इधर की तरफ बनाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में बनेगा। ये देखिए इसको भी जस्ट बेंड कर दीजिए और यूं दबा दीजिए, ये बिल्कुल, और दोनों को आपस में इस तरह से फंसा दीजिए, फंसाने के बाद ये दोनों को क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज कर दिए, ये देखिए खुलेगा नहीं, ये हमारा ये रिंग बन गया। इसको इसमें हम लोग लेते हैं
और जस्ट सिंपली इसको इसमें हम लोग ऊपर कर देंगे, हो गया। और ये देखिए अगर आपके पॉट में होल किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसमें होल किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसमें किसी भी चीज़ से इजीली होल कर सकते हैं, गर्म करके किसी भी चीज़ को आप दिखाइए या सोल्डरिंग करने से तो आप होल कर लीजिए, होल कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पैराकॉर्ड वायर लेंगे। ये देखिए ये पैराकॉर्ड का ये होता है, ये अराउंड 100 ग्राम्स आपको 30 to 40 rupees का मिल जाएगा, 100 ग्राम्स में ये अराउंड 100 फुट होता है। और आपको क्या करना है, अभी पैराकॉर्ड वायर लेने के बाद आप इसको मेज़र कर लीजिए कि आपको आपको कितने कितना इसका हाइट रखना है, ठीक है, कितना आपको हाइट रखना है। तो इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, मैं अराउंड 22 inches ले रहा हूँ, तो जस्ट सिंपली जस्ट रफ मेजरमेंट टाइप कर लेना है। ये देखिए 22 लेना है और 22 का आपको 4 कट करना है, 4 मतलब 2 पीसेस कट करना है, 22 का आपको डबल कर देना है। तो ये मेरा अराउंड 44 हो गया होगा, ये मेरा 44 inches का है, तो ये हाफ हो जाएगा। और एक सेम हमको और एक लेना है, सेम 44 inches का मेज़र कर लेना है, मेज़र करने का इसको कट कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये देखिए जस्ट सिंपली आपको दिखाते हैं, ये गया वायर जस्ट सिंपली ये होल में देखिए इजीली इसको आप ढुका दीजिए, ये चला आया और उसके दूसरे एंड को जस्ट इसमें ढुका देना है। ये देखिए ये चला गया, अब क्या करना है, इसका एंड पे एक नॉट बांध दीजिए, ये देखिए ताकि ये खुले ना, जस्ट एक सिंपल सा नॉट बांध दीजिए, दूसरे एंड पे भी नॉट बांध देना है। नॉट बांध दिया हमने, इस वाले को भी डाल देते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने एक 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 थ्रेड को इधर डाल दिया और एक ये वाले थ्रेड को इधर डाल दिया, ये देख सकते हैं हम, एक एक इसमें से इसमें चला गया, एक इसमें से इसमें चला गया और दोनों के एंड पे हमने नॉट बांध दिया। और कुछ नहीं करना है, जस्ट ये रिंग को हम लोग को नीचे ही रहने देना है और ये जस्ट रिंग को और ये रिंग को हम लोग लेंगे और जस्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंपली एक नॉट बांधना है। ये देखिए ये बस हो गया काम, और ये अब खुलेगा नहीं, यही इसका खासियत है, ये अब खुलेगा नहीं, इस पर कितना भी कुछ कर लीजिए ये खुलेगा नहीं, चाहे आप इसमें सॉइल भरिए, कुछ भी भरिए, पॉटिंग मिक्स भरिए, लाइट पेटूनिया का कुछ नहीं होगा। और सेम हम लोग इसके दूसरे एंड पे भी कर लेंगे, ये जस्ट इसको इधर बांध देना है और ये बन गया हम लोग का हैंगिंग प्लांटर में पेटूनिया, पेंजी, डायंथस, नेस्टेशियम, गजेनिया, इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं आप। ये हम लोग का इसको रिंग को ऊपर कर लीजिए और अगर थोड़ा सा थ्रेड इधर उधर हो तो हल्का हल्का सा घसका करके एडजस्टमेंट कर लीजिए। और ये देखिए ये हमारा DIY हैंगिंग और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है हम लोगों को प्लास्टिक के हैंगिंग पॉट्स के मुकाबले। तो आइए आपको दिखाते हैं, तो देखिए आपको इस तरह से इसको ले लेना है इसको हैंग करने के लिए, ये आप देख सकते हैं मे बी सन लाइट आ रहा होगा, ये यहाँ पर आप एस बना करके इसको हैंग कर सकते हैं, हुक बना करके आपको स्क्वायर पाइप है तो हुक बना करके आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये देखिए ये है हैंग किया हुआ पेटूनिया लगा हुआ है, इसको आप चाहे तो इस तरह से भी करके रख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगेगा, जब पेटूनिया होगा तो इसको पूरी तरह से कवर कर देगा। इस तरह के पॉट देखिए, इस तरह के जो पॉट है ये खूबसूरत तो लगते हैं देखने में, लेकिन एक क्या होता है इसमें बहुत कम अधिक अमाउंट ऑफ सॉइल लगता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, ये अराउंड 70 to 80 rupees आ जाता है, तो DIY बेस्ट एंड चीप है।